क्या आप अपने ब्रोकर की ए पी आई ट्रेडिंग से कनेक्ट करके एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हो तो जानते हैं कैसे करें तो सबसे पहले आपको स्मार्ट एपीआई पे आना है यहाँ मेल आईडी डालनी है पासवर्ड डालना है एंड लॉगिन कर लेना है जैसे आप लॉगिन करोगे उसी के बाद आप एपीआई क्रिएट कर पाओगे सेकंड स्टेप में आपको अपने कजर को माय प्रोफाइल की साइड ले जाना है और जैसे आप कज़र ले जाओगे यहाँ पर क्रिएट ऐप्स आएगा आपको इस पे क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने बाय डिफॉल्ट ये पेज आएगा आपको यहाँ कहाँ पर चेंज करना वो मैं बता देता हूँ ट्रेडिंग ए को आपको कुछ भी नहीं करना स्मार्ट ए में आपको ए का नाम डालना है आप एज एग्जाम्पल अपना नाम डाल सकते हो डेमो डाल सकते हो जो भी दिल करे आप डाल सकते हो रिडायरेक्ट यू में आपको रिडायरेक्ट यू डालना है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट लेवल वोट की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा एंड स्क्रोल डाउन करके आपको रिसोर्स के पेज पर पे आना पड़ेगा जैसे आप रिसोर्स के पेज पर पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा एंड आपको क्या करना है यहाँ पर रिडायरेक्ट यू वाला जो सेक्शन है उसके अंदर एंजल ब्रोकिंग का रिडायरेक्ट क्यू है आपको इस पर क्लिक करना है कॉपी हो जाएगा ओके पे क्लिक करोगे कॉपी हो गया एंड आपको इसको जाके यहाँ पर डालना है मैं आपके सामने डाल देता हूँ एंड पोस्ट बैक क्यू में आपको कुछ भी नहीं डालना एंजल क्लाइंट आईडी में आपको अपनी क्लाइंट आईडी डालनी है एंड उसके बाद क्रिएट ऐप पे क्लिक कर देना स्टेप थ्री में आपको कज़र को दोबारा से माई प्रोफाइल पर ले जाना है जैसे आप माई प्रोफाइल पर ले जाओगे आपको माई ए पी आई पर क्लिक करना है जैसे आप माई ए पी आई पर क्लिक करोगे आपके सामने ए पी आई दिखेगी कुछ इस तरीके से मेरे पास बहुत सारी इसलिए दिख रही है क्योंकि मैंने कई सारी ए पी आई बना रखी है बट आपके पास एक ही दिखेगी जो आपने बना रखी होगी आपको क्या करना है ए पी आई की और सीक्रेट की को कॉपी कर लेना है उसके बाद आपको नेक्स्ट लेवल बोर्ड पर जाना है यहाँ जाने के बाद डैशबोर्ड के आइकन पर क्लिक करना है जैसे आप डैशबोर्ड के आइकन पे क्लिक करोगे लेफ्ट साइड में आपको ए पी आई दिखेगा आपको इस पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको एड ए पे क्लिक करना है एड ए पे क्लिक करने के बाद आपको एंजल ब्रोकिंग का आइकन दिखेगा यहाँ पर एड ए पे क्लिक करना है यहाँ पर एड ए पे क्लिक करने के बाद आपको ऐप नेम डालना है जो भी आप डालना चाहते हो यहाँ भी कुछ भी डाल सकते हो ए की जो आपने कॉपी करी थी उसे यहाँ ऐड करना है फिर सीक्रेट की को ऐड करना है सीक्रेट की को ऐड करने के बाद सेव कर देना है सेव करने के बाद आपको दोबारा से बैक आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पर एंजल के बटन पे क्लिक करना है अब आपकी ए पे कुछ इस तरीके से आपको ऑफ दिखेगी जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टेप टाइप फोर के अंदर आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ आपके सामने ये आइकन ऑफ दिख रहा होगा इस पहले इसका स्टेटस ऑन करना है जैसे आप इसका स्टेटस ऑन करोगे आपके सामने यहाँ कनेक्ट का बटन आ जाएगा और आपको ए पी कनेक्ट करनी है अपने एंजल ब्रोकिंग के अकाउंट से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जैसे मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये पेज खुला है यहाँ पर तीन वे है लॉग करने के लिए मैं इस वे को चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर मैं क्लाइंट आई डालता हूँ जो कि क्लाइंट आई डी ये एंड पिन डालता हूँ पिन है मैं पिन कॉपी करके लेके आ रहा हूँ एंड मैंने यहाँ पर पिन भी डाल दिया एंड उसके बाद ये टू एफ मांग रहा है मैं टू एफ भी डाल देता हूँ टू एफ के लिए मैं ये गया और मैंने यहाँ पर टू एफ डाल दिया तो एक मिनट रिसेट कर देता हूँ पेज को टू एफ़ डालने के बाद लॉग करता हूँ जैसे ही लॉगिन करूंगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का लोगो uh, आएगा आप देख सकते हो सक्सेसफुली कनेक्टेड टू ए आपकी ए कनेक्ट हो गई है अब आपको क्या करना है फिर से नेक्स्ट लेवल बोर्ड के पेज पे जाना है एंड डैशबोर्ड uh, पे जाके मैं ए पी आई पे जाता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ हम यहाँ गए अगर आप देखोगे तो ए जो हमने कनेक्ट करी है वो टाइम आ गया कि भाई रात को दो बज के पंद्रह मिनट पर आपने ए कनेक्ट करी है. और ये डेली करना कंपलसरी है क्योंकि आपको सेबी के रूल के अकॉर्डिंग डेली ए कनेक्ट करनी होती है बट अगर आप चाहते हो कि आप डेली नहीं करना चाहते तो ऑटो लॉगिन की डिटेल डाल सकते हो जैसे ऑटो लॉगिन की डिटेल डाल दोगे तो रोज़ मॉर्निंग में पाँच से आठ के बीच में ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगी अगर आपकी ए का कनेक्शन नहीं बना है या आपकी ए ऑफ है तो आपके ट्रेडिंग व्यू से आपके ब्रोकर पर ऑर्डर नहीं जाएंगे स्टेप फाइव में हम ट्रेडिंग व्यू पे आएंगे और यहाँ पर मैंने एक इंडिकेटर ले रखा है जिसका नाम मैंने दे रखा है डेमो ऑर्डर एंड ये कैसे काम करता है पहले मैं आपको समझा दूँ ये काम ऐसे करता है कि अगर कोई भी कैंडल जो करंट टाइम की कैंडल है वो प्रीवियस कैंडल का हाई तोड़ती है तो ये ग्रीन डॉट देता है और ग्रीन डॉट पे ये अलर्ट्स पहुंचा देता है अलर्ट्स दे देता है एंड ऐसे ही अगर कोई भी कैंडल प्रीवियस कैंडल का लो तोड़ती है तो ये रेड डॉट देता है एंड उस पर हमने सेल का सेंटेक्स डाला है तो मैंने पहले ही एक डेमो इंडिकेटर बना रखा है इसमें डॉट डाल रखी है और मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने अलर्ट्स कैसे बनाया तो पहले हम चलते हैं जैसे जो मैंने बनाया वो आपको दिखा देता हूँ यहाँ बने हुए हैं आपको एड प्लस के आइकन पर क्लिक करना है अपना इंडिकेटर लेना है जैसे मेरा इंडिकेटर डेमो है तो मैंने डेमो ले लिया इसमें दो अलर्ट्स बना रखे हैं मैंने कस्टम तो मैंने डेमो लॉन्ग ले लिया वंस पर बार मतलब जितनी बार सिग्नल आए उतनी बार मुझे चाहिए उसके बाद आपको अलर्ट्स का नाम डालना आप एक्स वाई जेड कुछ भी डाल सकते हो वो आपकी मर्जी है यहाँ पर आपको सेंटेक्स डालना है जो कि मैंने डाल रखे हैं अभी आपको स्टेप नेक्स्ट स्टेप में आपको मैं बताऊँगा उसके बाद आपको सेव कर देना सेव करने से पहले एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है नोटिफिकेशन पे जाना है वेबुक पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको वैबुक क्यू डालना है वैबुक क्यू आपको आप यहाँ पर जाओगे और डैशबोर्ड पे जाओगे डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको यहाँ पर वैबुक क्यू मिलेगा जिसका नाम है सिक्वेंस वैबुक आपको इसे कॉपी करना है कॉपी करने के बाद आपको इसे यहाँ डाल देना है अगर आप इसे डाल दोगे जब भी आपके ऑर्डर आपके ब्रोकर तक जाएंगे तो ये मैंने आपको लॉन्ग का अलर्ट्स बना के दिखाया ऐसे मैंने शॉर्ट का बनाया शॉर्ट के लिए भी मैंने क्या करा है? इस पर क्लिक करा एंड डेमो ऑर्डर पे क्लिक करा इधर मैंने शॉर्ट का अलर्ट्स ले लिया जो कंडीशन है मेरी शॉर्ट की वंस पर बार ले लिया इधर शॉर्ट डाल दिया एज एग्जाम्पल के लिए और यहाँ पर मैंने शॉर्ट का सेंटेक्स डाल दिया बैबुक पहले से इसके अंदर है तो ऑर्डर चले जाएगा इसी तरीके से मैंने ये दो अलर्ट्स बना दिए एंड मैं अभी आपको लाइव ऑर्डर भी दिखाऊंगा इससे पहले मैं आपको सेंटेक्स दिखा देता हूँ कि मैंने सेंटेक्स क्या यूज़ करे स्टेप सिक्स में मैं बता दूं कि जो आपने अभी अलर्ट्स देखे थे तो उसके अंदर सेंटेक्स डाल रखे हैं और मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूं क्योंकि आपको धीरे धीरे इन चीज़ों की नॉलेज अपने आप ही होने लग जाएगी सबसे पहले आपको सेंटेक्स पेज पे जाना है जैसे आप सेंटेक्स पेज पे जाओगे यहाँ पर अपना ब्रोकर सेलेक्ट करना है मैंने एंजल ब्रोकिंग ले लिया एंड यहाँ पर जो कॉमन ऑर्डर है जो सबसे ज़्यादा डाला जाता है वो डाला जाता है फुल्ली एल्गो को आपने फुल्ली एल्गो ले लिया इन शॉर्ट मैं बताऊँ इसका मतलब होता है पुरानी पोजिशन को क्लोज करना अगर है एंड न्यू पोजिशन ऐड करना ऑर्डर टाइप में हमने नॉर्मल ले लिया क्योंकि एंजल ब्रोकिंग का जो टाइप है नॉर्मल है अभी के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में एक इंस्ट्रूमेंट टोकन दे रखा हमने ये डाल दिया ऐसे यहाँ सिंबल दे रखा हमने ये डाल दिया एंड एन एस सी ले लिया एक्सचेंज के अंदर क्योंकि एस बी आई एन एस सी के अंदर आता है क्वान्टिटी के अंदर हमने अभी ग्यारह ले लिया क्योंकि अभी पहले भी मैंने कुछ क्वान्टिटी लगाई थी जिससे आपको पता चले कि ये डिफरेंट ऑर्डर है बाय कर दिया मार्केट ऑर्डर है एंड इंट्राडे है जनरेट कर दिया एंड कॉपी कर लिया यहाँ पर आप सेव करके यहाँ से भी चेक कर सकते हो आपकी ई पी कनेक्ट हुई है नहीं हुई है पर हमने कॉपी कर लिया और इसे हमने अलर्ट्स के अंदर डाल रखा था जो कि मैंने बोल रहा था सेंटेक्स डाल रखे हैं मैं अभी आपको दिखा दूंगा बट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे वेरिएंट है जैसे कि आप टीपीएसएल लगा सकते हो बहुत सारी चीजें बस मैं एक आपको बेसिक समझा रहा हूँ क्योंकि धीरे धीरे आपको करते करते चीजें अभी लास्ट स्टेप में मैंने आपको सेंटेक्स बनाना सिखाया और उससे पहले मैंने आपको अलर्ट्स बनाना सिखाया था सेंटेक्स मैंने इसके अंदर डाल दिया एक बार दिखा देता हूँ इसके अंदर लॉन्ग का सेंटेक्स डाल दिया है शॉर्ट का सॉरी एंड इसके अंदर लॉन्ग का सेंटेक्स डाल दिया दो अलर्ट्स हैं एंड मैंने लेफ्ट साइड में ट्रेडिंग भी ओपन कर रखा है राइट साइड में एंजल ब्रोकिंग ओपन कर रखा है जिससे मैं आपको लाइव दिखा सकूं अब मैं एक चीज़ बता दूं मैंने बिटकॉइन का चार्ट खोल रखा है और सेंटेक्स जो बनाया है एस बी आई का बनाया बिटकॉइन के चार्ट पे मैंने इसलिए लगाया क्योंकि रात को दो बज रहे हैं और मार्केट ओपन नहीं है मेरे को आपको बताना ऑर्डर जाते कैसे इसलिए मैंने ये चार्ट लगाया आप रियल टाइम मार्केट में रियल टाइम चार्ट लगा सकते हो और अगर आपको किसी और चार्ट के थ्रू किसी और सिंबल में भी काम करना हो तो आप मेरी तरह कर सकते हो तो अभी क्या करता हूँ मैं दोनों अलर्ट्स को ऑन कर देता हूँ मैंने इस पर क्लिक करा ये ऑन हो जाएगा इस पर क्लिक करा ये ऑन हो जाएगा अभी देखोगे जो लास्ट ऑर्डर आया नौ बज के छप्पन मिनट पर आया तो हम अलर्ट्स का वेट करते हैं एक मिनट का चार्ट हमने लगा रखा है जैसे अलर्ट्स आएगा इधर अलर्ट्स आ जाएगा जैसे अभी आप देखोगे कि हमारी कंडीशन मैच होगी इधर अलर्ट्स आएगा उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑर्डर लगते हैं नहीं तो आप देखो हमारी कंडीशन मैच हो गई एंड मैच होते के साथ ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा एक ऑर्डर आ भी गया मैं इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको रिफ्रेश करता हूँ पेज को एंड पहले तो ये साइड में हो जा रहा था अभी ये साइड में भी नहीं हो रहा रुक जाइए तो एक अलर्ट्स आया है एंड अगर मेरे को इसे फुल व्यू करके दिखाना पड़ेगा तो दिखा देता हूँ दो बज के छत्तीस मिनट पर ये ऑर्डर आ गया फिर से मैं इसे मिनिमाइज़ करता हूँ एंड दूसरा अलर्ट्स आया ये ऑर्डर लग गया फिर से मैं फुल करता हूँ आप देखोगे कि तो दो बज के सैंतीस मिनट पर अलर्ट्स आ गया इस तरीके से आप देख सकते हो जो भी अलर्ट्स आएंगे ऑटोमेटिकली आपके ब्रोकर पर लगते जाएंगे आई होप आपको इन सेवन स्टेप में पता चल गया होगा कि और एंजल ब्रोकिंग ट्रेडिंग यूज है एंजल ब्रोकिंग पे ऑर्डर कैसे लगाते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय